चर्चा सत श्री अकाल जी, प्रोग्राम चर्चा दे विच तुहाडा स्वागत। प्यारे दर्शको, पंजाब दे गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित साहब आम गवर्नरां वर्गे नहीं के हो गवर्नर हाउस जा राजभवन च बैठे रहे, ओहो एक्टिव पॉलिटिशियन वांग काम कर रहे ने। आज दो दिन हो गए वह गुरदासपुर अमृतसर साहब ते तरन तारण ये सरहदी जिले के दौरे ते ने। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के विच उन्होंने अधिकारियों नाल सरपंचा पंचा सब नाल मुलाकात की है। इन्हों दिन हर तरह की जिहड़ी उत्थों की उन्हों दीआं समस्यावां सुणदे ने, नशिआं बारे गल करदे ने, अमन कानून की स्थिति बारे गल करते हैं। जो ये एक्टिविटीज हो रही है ने गवर्नर साहब दिया, क्योंकि जो गवर्नर बूक करता है तो ब्यूरोक्रेसी भी ना चीफ सैकटरी डिप्टी कमिश्नर तो होंगे ही होंगे ने, उस सारे उधर जाना पैंदा है और हैलीकॉप्टर लैके वह उत्थे पहुंचे। तो उस तो बाद कुलदीप सिंह धालीवाल जिहड़े अजकल NRI दे मामलों के मंत्री ने, पहला उन्होंने बड़ा सवाल खड़ा किया कि गवर्नर साहब अपना काम करन, ये साडा काम है, ये चुनी हुई सरकार का काम है। उस तो बाद मुख्यमंत्री पंजाब ने, मुख्यमंत्री पंजाब लगातार जिथे भी जाते हैं, तेलंगाना जा हो तमिलनाडु जान जा कित भी जाते हैं ऑर्डिनेंस दे जी हमायत लैन लई, उत्थे ये गल जरूर करते हैं कि जिथे भाजपा दीआं सरकारां नहीं उत्थे जिहड़े गवर्नर हाउस ने उह तां भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों वांग काम करते हैं। इस तरह की गल जिहड़ी है लगातार मान साहब कहते हैं बस एक झंडे लाउणा रहिंदा है। तो उन्होंने कहा कि तुसीं सानूं आपां काम करन दो, वह कहते जिथे कोई गलत काम हो मैं तो बोलूंगा। तो जे उन्होंने पूछा भी तुसीं ये की कर रहे हो तो सरकार तो यह कहती, वह कहते आई डोंट बॉदर। ये एक बार फिर जिहड़ी सरकार ते गवर्नर वो आमों सामने नजर आ रहे ने, ते इहदे अज आपां चर्चा करनी है। ते चर्चा करन लई साडे नाल जिहड़े मेहमान ने, तुहाडा उहनां नाल तारफ कराइए। साडे नाल सीनियर पत्रकार प्रमोद छाबड़ा साहब इस प्रोग्राम दे विच शामिल ने, जिहड़े निरपक्ष टिप्पणी करनगे। एक निरपक्ष टिप्पणीकार होर ने साडे नाल अज प्रोग्राम च, उहने पंजाबी यूनिवर्सिटी दे साबका प्रोफेसर ते मुखी डिपार्टमेंट दे मैनेजमेंट जिहड़े होटल मैनेजमेंट दे डॉक्टर रण सिंह धालीवाल साहब, वह भी निरपक्ष टिप्पणी करनगे। तीन नुमाइंदे पोलीटिकल पार्टीज ने, कांग्रेस तो टीना चौधरी जी, श्रोमणी अकाली दल तो साढ़े नाल एडवोकेट KS मठारू, और भारतीय जनता पार्टी के नेता गुरदीप सिंह गोसा साहब साढ़े नाल ने। तुहाडा सब का बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर धालीवाल साहब, रण सिंह धालीवाल, किवें देखते हो गवर्नर साहब कहते आई डोंट बॉदर, वह कोई समझते ही नहीं, जिवें सरकार नहीं गवर्नर साहब को समझती, उधर नहीं समझते, टकराव की स्थिति जी बनी हुई लगती है। वालिया साहब, ये प्रॉब्लम जिहड़ी ना कल्ले पंजाब च नहीं, केंद्र विच जिहड़ी सरकार, ये नहीं भी अज की प्रॉब्लम है, ये कांग्रेस सरकार वेले भी रही है, जां जिहदी केंद्र च सरकार होवे उहदी समस्या रही है। और ये कई कमिशन बैठे इस समस्या का हल लभण लई, परंतु जे मैं साफ शब्दों च कहां, यह पोलीटिकल पार्टिया की इच्छा शक्ति नहीं हैगी मसले को हल करन दी। जदों उही पोलीटिकल पार्टियां केंद्र च हुंदियां ने उदों उन्हां दी सोच होर हुंदी है, जदों वह विरोध च आ जांदियां ने ते स्टेटां च उन्हां दी सरकार होवे फिर उन्हां दी स्थिति होर हुंदी है। पिछले समयां दे विच जदों गवर्नर कोल इक अधिकार सी कि उह रिपोर्ट दिंदे सी के सरकारी मशीनरी फेल होगी, इस रिपोर्ट ते गवर्नर ही राज लग जांदा सी, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने विच दखल दिता। सुप्रीम कोर्ट तो बाद कोर्टां तो बाद यह फैसला आया कि यह फैसला फ्लोर ते होवेगा, गवर्नर की रिपोर्ट नाल नहीं होवेगा। उस तो बाद सरकारां उस तरह टुटियां हो हटियां टुटणों, परंतु सरकारां तोड़न दे विच गवर्नर दे यतन ने जिहड़े वह कई स्टेटां च भारतीय जनता पार्टी की पिछले 9 साल सरकार बनने तो बाद समस्यावां सामने आईयां ने।
ਦੂਜੇ ਰੂਪ ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸੇਮ ਰੋਲ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਅਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਰਾਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਔਖੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਟ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵਿਲ ਸਟੇ ਔਨ ਦੀ ਡੈਜੀਗਨੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਨੇ, ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਏ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹਰਮਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਪਊ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਲੈਕਟਡ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਨੇ 3, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੂਜਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ, ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰੋਗੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕੰਮ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਾਲੇ ਬਣੀ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਲੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਆਪਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਰੋਲ ਆ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਵੀਟ ਉੱਧਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਟੋਕੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਟੋਕਣਾ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਾਦਰ ਕਰਦੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖੀ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ, ਹੁਣ ਲੈਣੇ ਆ। ਚਰਚਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਰ ਸਵਾਗਤ। ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤਕਰਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ ਨੇ,
ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਥਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਖੈਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਗੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ? ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਲੰਘ ਗਏ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਨਿਰਪੱਖ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਤੰਗ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੰਗ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਗਨਮੈਨ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਕੋਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ 45-45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਰਿਪੇਅਰਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਪੰਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ, ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ, ਕਰਿਆਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਚ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਗੇ ਕਾਲਜਾਂ ਚ ਨਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ? ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੀਪ ਗੋਸਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੀਏ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਰਾਖੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ? ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਆਪਾਂ? ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲੈਣ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਆਹ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਸੀ। ਆਹ ਲਓ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਪਬਲਿਕਲੀ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1952 'ਚ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਜੀ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਖੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਠਾਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਂਛਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗਵਰਨਰ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਚਾਹੇ ਟੈਸ਼ ਚਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਜੋਸ਼ ਚਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਬੁੱਕੇ ਲਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4-5 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸੂਦ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਭੇਜਤਾ, ਔਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ MLA ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ 4-5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ
एजुकेशन बोर्ड की चेयरपर्सन कोई लाई जाती है ओदे विच सहमती ली जाती है उत्थे भी इन्हां नूं ठीक लगता है क्योंकि वह भी दिल्ली दे है। सो जिथे ते गवर्नर साहब इन्हां दी गल करदे आ उत्थे ठीक है, पर मैनूं इक गल की बड़ी हैरानी है वालिया साहब, जिथे पंजाब दे मुद्दे आ जिथे मानयोग मुख्यमंत्री साहब नूं बोलना चाहिए उत्थे तां बोलदे नहीं है, चाहे पाणियां की गल होवे चाहे चंडीगढ़ की गल होवे किते किसे पंजाब दे मुद्दे ते नहीं बोलदे है। सो यह जिहड़ा ड्रामेबाजी है मैनूं तां लगदा मुख्यमंत्री साहब अंदर खाते जिहड़े घिओ खिचड़ी होए हुए है भारतीय जनता पार्टी नाल, यह गोशा जी ने भी दस्या कहिंदे लोकां नूं दिखाउण वास्ते यह करदे है, बाकी तां अंदरों तां गल इक्को इक्को जिक्की है। सो बालिया साहब मेरा कहण दा परपज यह है जिहड़ी पंजाब दी सरकार है जिथों तक गवर्नर की गल है, गवर्नर एक संविधानक पोस्ट है उन्होंने रिपोर्ट पेश करनी होंदी है उपर कि स्टेट दे विच की चल रहा है, मशीनरी ठीक चल रही है कि नहीं चल रही। देखो अपना बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर स्टेट दे विच जिहड़ा एरिया दिता होया फौज नूं दिता होया बहुत ज्यादा एरिया बॉर्डर दे उपर कि इन्ने किलोमीटर तक 50 किलोमीटर तक फौज रहेगी, और यह बॉर्डर स्टेट दे विचों नशे भी आउंदे आ, नशा जिहड़ा कहिंदे सी बंद करन नशा भी चल रहा है, गैंगस्टरवाद भी है, लॉ एंड ऑर्डर से बार बार सरकार घिर रही है, और जो कोई गवर्नर यहो जी रिपोर्ट पेश करते हैं गल करते उदों तो यह रौला पाते हैं, जो पंजाब के दूसरे जो तो इन्हों की पोल खोलते हैं गवर्नर साहब कि इन्हों को सूबे की जी कार्यशैली है बिल्कुल सही नहीं चल रही, फिर तो यह रौला पाते हैं। जदों गवर्नर साहब फैडरल सिस्टम को भारतीय जनता पार्टी के हिसाब न फैडरल सिस्टम के ढाल लगने की गल होती है उदों उत्थे जाके मिल जाते हैं घ्यो खिचड़ी हो जाते उत्थे नहीं बोलते। सो ये लोग जिहड़े हैगे आ जिहड़े कंपीटेंट लोग नहीं आए, ये लोग अनजाण लोग आ, इन्हां नूं कुछ पता है नहीं, ये सिर्फ ईगो अपनी ईगो नूं सैटिस्फाई करन वास्ते बाहरलियां स्टेटां दे विच जाके ये प्रचार करते हैं कि सानूं सरकार नहीं चलाउण दित्ती जा रही, और बाहर पंजाब का पैसा पंजाब की मशीनरी जिहड़ी पूरे देश दे विच अरविंद केजरीवाल की राजनीति नूं चमकाउण वास्ते जिहड़ा हैगा वह वरत्या जा रहा है, एडवरटाइजमेंट ते जिन्ना खर्चा हो रहा उहदी इह गल नहीं करदे, और जे लॉरेंस बिश्नोई का कि जेल के इंटरव्यू है वह गल नहीं करते। मैं सुन रहा वालिया साहब कल मानयोग मुख्यमंत्री साहब का एक दूजे जिवें औरतां लड़दियां महल्ले दे विच मेहने दिंदियां इस तरह मेहने देंदे तो कहिंदे गल कहिंदे मुद्दे की गल करो, मुद्दे की गल खुद नहीं करते, जदों असीं मुद्दे की गल करते हैं तो यह कोई नवीं शुरू ही छड्ड देंदे आ मुद्दे दीआं गल्लां। मैं असीं तां कहिंदे आ कि पंजाब ते गल करो पंजाब दे मुद्दे की गल करो, फिर यह कहिंदे आ इह कौण हुंदे आ सानूं पुछण वाले, इह कौण हुंदे आ सानूं, लोकां ने इहनां नूं हराता। सो यह जिहड़े लोक हैगे आ वालिया साहब टाइम पास कर रहे आ इंजॉयमेंट कर रहे आ, लेकिन जिहड़ा तुसीं कह रहे हो कि गवर्नर साहब ते जिहड़ी तुहाडी आपदा इक पक्ष है वी इह मिले होए ने जां पब्लिक डोमेन ते कुछ होर गल करदे ने, लेकिन कुलदीप सिंह धालीवाल कहना जे तुसीं गल्लां ही करनियां ने तो जाके साडा आरडीएफ दा जिहड़ा है वह पैसा लियाओ, तुसीं उहनूं सड़कां देख लईआं किन्नियां टुटियां ने, सड़कां बना लांगे साडा पैसे लिया के दवाओ तुसीं सेंटर तो, इस तरह के जिहड़े तुसीं कहना मेरे को मेरी तो नजर आ रहे ने। टीना चौधरी जी कांग्रेस पार्टी वाली साहब मैं अज दे इस मुद्दे ते गल रखना चाहवांगी। वैसे गवर्नर साहब की मैं स्टेटमेंट सुनी है, उन्होंने ये भी कहा है कि मैं एक कंसर्न अथॉरिटी नहीं हैगी जिथे जो भी उन्होंने हक बनता पंजाब सरकार का, बट देखा जा सकता बीइंग कॉन्स्टिट्यूशनल हैड ऑफ द स्टेट मैं अगर कि ग्राउंड लैवल पर जो हुक्म दिते गए ने पंजाब सरकार वालों अगर वह प्रॉपर ढंग नाल इंप्लीमेंट नहीं हो रहे पंजाब सरकार वालों तो उत्थे मेरा क्वेश्चन राइज करना बनता। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਧੜਾ ਧੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਐਸਐਫ ਏਰੀਆਜ਼ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਬੈਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂਚ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ।
जो असी टैररिस्ट हमला बड़े ईजली जिस तरीके BSF ने पटीशन पाई से मन दी यह गल भी उन्होंने मुद्दे जरूर रखे नैशनल सिक्योरिटी वाले कि जिथे ग्राउंड लैवल से पंजाब सरकार इंप्लीमेंट नहीं कर पाई, अज भी तड़ा तक माइनिंग इलीगल चल रही है जबकि पंजाब च माइनिंग बंद है। पर मैं इस गल तो हैरान हाँ कि जो ओपोजिशन वाले गवर्नर साहब खुद पेश होकर जाके कुछ माइनिंग के मुद्दे दे के आते हैं या फिर कोई ऐसे उन्होंने वालों एक गुहार लगाई जाती है कि असं चाहते हैं कि तुम सेंटर सरकार मिलकर और फिर सेंटर एजेंसिया के थ्रू इतों इनवैसटीगेशन करवाई जा सके ताकि जिस तरह का पंजाब सरकार रेगुलेशन और एक्ट के नाल धक्का करती हुई नजर आ रही है उत्थे असं थोड़ी जी लगाम कस सकी। और अज भी देखा जाए जिन्हें भी ओपोजिशन ने हूं तक गवर्नर साहब ने हूं तक पेश की अपनी कंप्लेटा हूं तक गवर्नर साहब ने उत्ते एक भी काम करते हुए मैं नजर नहीं आए सिवाय लालचंद कटारू चक जी के मुद्दे से जिस तरह के नाल खेरा साहब ने मुद्दा चुकया सी उन्होंने अपील जरूर की उन्होंने इंटीमेशन दिते नोटिफिकेशन जारी की पर अज भी पंजाब सरकार उन्होंने कहने उन्होंने हर नोटिफिकेशन इग्नोर करती हुई नजर आ रही है वह भी गलत हैगा। बट जे मेजोरिटी की जो मैं गल करा मोर दैन 90% उन्होंने अगर वाकई कानून की पालना करनी होंगी या कानून गलत ढंग के नाल पंजाब सरकार उन्हें यूटिलाइज ना कर सके उसके पे एक्शन लेना बनता सी जिस तरह साढ़े लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्रताप बाजवा जी कई बार उन्होंने ऐसे मुद्दे जोड़े आ खुद उन्होंने अगे रख के आए पर अज भी गवर्नर साहब वालों उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिता गया ये बारे भी थोड़ा ध्यान देन कि अगर तुम काम करना चाहते हो तो लगता है कि पंजाब इलीगल तरीके काम हो रहा है तो आई थिंक सारे पास उन्होंने कोई वाइज डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि बीजेपी की टीना चौधरी जी जी तुसी गल करते हो कि जी रीप्रजेंटेशन दित्तियां जांदियां ने गवर्नर पंजाब नू जां किसी भी गवर्नर नू वो तो यो लगता है कि पोलीटिकल पार्टीज उन्हां ते एक्शन जिहड़ा करना जां ना करना तो सरकार का जिहड़ा काम है जां उहदी जिम्मेवारी है ते जां प्रेरोगेटिव है ते दूजे पासे तुसी आप ही कहा भी किन्ना कुछ है कदे अकाली चले जांदे ने कदे कांग्रेस दी पार्टी चली जांदी है लेकिन उते कोई एक्शन मानसरकार जी करती नजर नहीं आती। एक बार नहीं कई बार लालचंद कटारू चक बारे कहा तो उन्होंने तो पब्लिक च भी कहता हूँ प्रेस न भी कहता कि मैं मीडिया राही कहना है कि उन्होंने रहन का कोई हक नहीं कोई एक्शन नहीं होया इहदा मतलब टकराव तो चाहे गोसा जी कहते हैं आपस च कट्ठे ने लेकिन टकराव तो नजर भी आता है। प्रमोद छाबड़ा जी किवें देखते हो सारी गलबात नूं तुसीं? एक पर्दे के पीछे एक पर्दे के आगे ना वो आए आगे ना वो आए पीछे दुनिया की रस्में कैसे निभेगी वो आगे बढ़ेंगे तो कुछ भी ना होगा वो पीछे हटेंगे तो दुनिया हंसेगी। मेरे कहने का मतलब है सर आज पंजाब दे कोले जिथों तक मैं स्टडी नूं समझ पाया चीज नूं कि भगवंत मान सरकार कोले आज वो साधन संसाधन नहीं है कि वह पंजाब दे विच हुई अपन गरंटियां अपन गल अपने वादे पूरे करे और वास्ते बहुत वड्डा बजट चाहिए और उस बजट के वास्ते केंद्र सरकार की हेल्प तो बिना वह चीजा हल नहीं हो सकदियां। ईवन दैन के कई चीजा के उपर केंद्र सरकार ने इन्हों के उपर बैन लगाया होया है जिमें अपने रूरल डिवेलपमेंट फंड हो गया या कई होर इस तरह के चीजा ने और चीजा के बैन भी लगाना जरा कितों तक है कि सरकार जी है इधर का पैसा उधर से उधर का पैसा इधर एडजस्ट करती है। हुण सवाल यह उठता है भी आप वादे पूरे नहीं कर पा रहे तो पंजाब की जनता को की जवाब दईए। पंजाब की जनता को जवाब देने वास्ते जो इतों 300 किलोमीटर दूर या 250-300 किलोमीटर दूर हाईकमान बैठी है उनके नाल गल की जाती है तो वह एक मुद्दा दसते हैं कि तुम गुलजर गवर्नर के नाल उलझे रहो गुलजर गवर्नर के नाल उलझाव रखो और यह चीज जनता के सामने रखो कि पंजाब की सरकार नूं पंजाब दे मानयोग राजपाल साहब काम करन नहीं दिंदे साडियां चीजां दे उपर ओबजैक्शन लगांदे आ और खुद जिहड़ा है पब्लिक दे विच जाके आधी राजनीति करदे आ। इह तू तू मैं मैं दी जिहड़ी कहानी है इह सारी तक मैं देख रहा उह चीज़ सामने आ। 24 घंटिआं दे विच इन्हां ने बेअदबी का मसला हल करना सी और नशिआं दे उपर इन्हां ने कहा सी इक हफ्ते दे विच विच असीं सारी चीज़ां कर देंगे और हर चीज़ां वध रही हैं कोई चीज़ कंट्रोल नहीं है कोई ड्रोन की उधरों जिहड़ी है आमद वह नहीं घटी कोई हीरोइन के पैकेट रोज मिल रहे हैं असला मिल रहे हैं क्राइम बहुत वध रहा है। सो इन चीजों के उपर सरकार का जिहड़ा हाथ है जिन्ना मजबूत होना चाहिए सी वह कमजोर होया है और इस चीज को लैके गवर्नर साहब ये वाले गवर्नर साहब बनवारी लाल परोहित जी तुहाडी गल बिल्कुल सही है कि राजनीति चो आए मंत्री भी रहे हुए हैं MP भी रहे हुए हैं MLA भी रहे हुए हर सीट का इन्होंने आनंद माने हर सीट का इन्होंने तजर्बा है और वह बंदा जिहड़ा है वह इन्हों इस तरीके जिहड़ा है सवाल करता है। फिर जिवें टीना ने गल की
कि लाल चंद कटारू चक वाले मुद्दे तो इलावा बाकी सारे मुद्दों के गवर्नर साहब जिहड़े है भी वह इग्नोर कर देते हैं। तो कहता मतलब है भी मैनू जिथों तक चीज समझ आ रही है कि यह चीज न कुछ सरकार भी हल नहीं करना चाहती और गवर्नर साहब जिहड़े है वह अपने हिसाब नाल काम करना चाहते यह सारिया जिहड़ियां दिक्कतां सामने आ रही ना और इहदे विच पिस रहा है पूरा पंजाब। देखो जी गल तुसी कह रहे हो इहदा मतलब यह भी तो हो सकता है कि जो प्रमोद छाबड़ा जी कह रहे ने प्यारे दर्शकों कि गरंटियां पूरिया नहीं हो रही वित्तीय संकट है पंजाब दे विच ते इस करके इहदा ध्यान कि साडा तां काम ही नहीं चलाउण दिंदे यह जिहड़े भारतीय जनता पार्टी ते उन्हां ते नुमाइंदे गवर्नर साहब यह कहने की कोशिश इसे करके तो कहा जाता है कि जे तुसी कुछ करना चाहते हो ते तुसी पंजाब दे हितां दी गल करो यह गल अज कही भी गई है। खैर दोने आमो सामने ने यह चर्चा आपां जारी रखनी है एक ब्रेक होर लै लईए मिलदे आ ब्रेक तो बाद। ब्रेक तो बाद तुहाडा फिर स्वागत। डॉक्टर रण सिंह धालीवाल साहब किवें लगदा पोलिटिकल पार्टी जिवें सोच रही ने की है तुहाडी टिप्पणी? सर भाई पोलिटिकल पार्टीज दे मेरे तीनों मित्रां ने जिहड़ा इशू उठाया वह मुद्दे दे बिल्कुल नेड़े नहीं गए। जेकर आपां इह गल मन लीए कि गवर्नर साहब का रोल है कि वह चैक कर पार्टियां ने जिहड़ियां गरंटियां दित्तियां सी वह निभाईआं ने कि नहीं कि फिर जिहड़ा प्रधानमंत्री जी ने इन्ने लख रुपया खाते च आउणा सी राष्ट्रपति जी पुछणगे उहनां नूं भी इह पहुंच गया कि नहीं। यह गल बिल्कुल तीनों ही बंदे अपने मफाद दीआं करदे ने। जे इह सच्चीआं ने गल्लां तीनों पार्टियां दीआं तां इहनां नूं पार्टियां नूं इक बयान देना चाहिए कि असीं गवर्नर साहब नाल आ फिर पता लगे ना भी ये जस्टिफाई करन भी गवर्नर साहब ठीक कर रहे ने जो कर रहे ने इन्हां दे बुलारे देण ये बयान। सो इस करके मुद्दा कोई होर है ये मुद्दे नूं पटका के लै जांदे ने किते होर। ये जिहड़ा मुद्दा है गवर्नर नूं जो अधिकार कंस्टीट्यूशन ने दिते ने गवर्नर साहब उन्हां तों बाहर जाके रोल प्ले करने ने। गवर्नर दा मुख काम सरकार नूं कोआपरेशन देना है ना कि सरकार दे मूहरे अड़के लाउणा। सो इस करके मैनूं इह लगदा है बड़ा ही महाराष्ट्र वाले जिहड़े केस च सुप्रीम कोर्ट ने कोश्यारी जी ते एड्डी वड्डी टिप्पणी दित्ती है क्योंकि जिवें इह कह अपने मानयोग चोपड़ा साहब ने अपने जिहड़े पत्रकार इन्हां ने भी टिप्पणी की है जी कि गरंटियां ज्यादा दे देंदे ने ये पोलिटिकल बंदे ने इन्हां दा बड़ा तजर्बा है। कोश्यारी साहब का बड़ा तजर्बा सी जी जिड्डी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने कोश्यारी जी ते दित्ती है वह भी याद रखनी चाहिए है क्यों दित्ती है। तजर्बा अपनी थां है पर जो रोल कंस्टीट्यूशन डिफाइन करता है वह अपनी थां है। मेरी आ लड़की कांग्रेस वाली मित्र ने भी कहता कांग्रेस एक स्टेटमेंट देवे भाई पंजाब दे गवर्नर ठीक कर रहे ने सारा कुछ इत्थे आके सारे चुप कर जाणगे क्योंकि कल नूं तुसीं भी सरकारां चाउणा है। हाँ यह जरूर है सरकार की आलोचना करना मैं भी यही गल कहना कि आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए सी वह नहीं पूरे किए परंतु यह वखरा विषय है। गवर्नर का इशू वखरा है पार्टियां का अपनी परफॉर्मेंस देना ना देना यह एक वखरा विषय है। सो इस करके असी विषय तो भटक रहे हैं मैनू यह लगता है वोट के लैके आना पैंदा बहुत बार हुंदा है क्योंकि विषय से कई बार गल करनी औखी भी लगती है जां पार्टी लाइन तो जिहड़ा है तुहाडा मन कुछ होर कह रहा हुंदा है तुसी कुछ होर कह रहे हो। गुरदीप गोशा जी कुछ कहना भी चाहते ने उन्हां कोल वैसे भी ठीक है जी गोशा वालिया साहब इदां है पहली गल तो आम आदमी पार्टी नूं अपना के पक्ष रखना चाहिए सी भजदे किस गल तो है ते मैनूं लगदा धालीवाल साहब कुछ ना कुछ उन्हां दा पक्ष पूरे शायद मैनूं लग रहा है कि उन्हां दा ध्यान बहुत उल्टा उन्होंने तुहानूं नहीं पता इस गल दा मेरे जवाब मैं तुहाडे विच नहीं बोलिया धालीवाल साहब तुसीं डॉक्टर साहब सियाणे मैं विच नहीं बोलिया एलीगेशन ना लाओ मैं पक्ष रखदा मैं विरोधी आंदा तुसीं भी एलीगेशन ना लाओ तुसीं भी एलीगेशन लाओ पहले गल सुन लो पहले गल सुन भी लईदी हुंदी आपणे च भी सबर रखीदा हुंदा
जे मैं सबर ना गल सुनी तुसी भी सबर ना सुनो हुण गल तुसी पहला कीती सी आरडीएफ फंड दे विच प्लज कीता होया रूरल डेवलपमेंट फंड इन्होंने नहीं रोकिया होया सरकार ने अपनी नलैकियां कीती हुई फिर दूजी गल है नीति आयोग की मीटिंग दे विच इन्होंने जाना सी उहदा बाइकट क्यों किया नीति आयोग की मीटिंग च इस करके बाइकट किया उत्थे जाके जवाबदेही नहीं हो रही यह कहिंदे पिछलियां सरकारां गलत कर गईयां प्लज कर गईयां गोसा जी गुरदीप सिंह गोसा जी गल भी सुन लो गल रण सिंह धालीवाल कह रहे ने अज अपना मुद्दा गवर्नर साहब है अज अपना मुद्दा आरडीएफ नहीं अज अपना नीति योग नहीं तुसी मुद्दे दे रहे के गल करो मैं मुद्दे दे गल कर रहा तुसी आरडीएफ फंड दी तुसी गल कीती मैं तुहाडा जवाब नहीं दूंगा मैं तुहाडा जवाब दूंगा तुसी गल कीती भाई मेरी गल नहीं गुरदीप सिंह गोसा जी मैं नहीं किसी पार्टी च कुलदीप सिंह धालीवाल ने मंत्री ने गल कही है कि जे तुसी गवर्नर साहब बोलना है आरडीएफ ते फंड ते बोलो मैं तो बिल्कुल दूर रह के देखता हूं मैं आपदे कोलो कुछ नहीं सुनदे नहीं जिहड़ा टाइम तुसी दूजे पासे लैके जा रहे हो मेरी गल पूरी हो जानी सी मैं मुद्दे ते आ रहा सीगा उसे गल ते हुण तुहाडी गल दा जवाब मेरा देना बनदा ना हर गल दा हुण नीति आयोग दी मीटिंग तो ओह भज्जे आ उन्होंने पंजाब दे हक दूदे लई नहीं लड़ना उन्होंने इस करके लड़ना साडी पार्टी जो मैं छाबड़ा जी दी इस गल दी दात दिंदा उन्होंने खुल के गल कीती है कि वह पार्टी नूं उन्हां नूं पता सी जिहड़े वादे कीते उन्हां नूं धालीवाल साहब नूं समझ नहीं आई असीं इह नहीं कह रहे गवर्नर साहब नाल उलझन दा कारण की है कारण यह है भी जिहड़ा काम करने सीगे उह करने नहीं पै रहे क्योंकि कीते नहीं जा रहे क्योंकि इह वाकई स्टेट क्राइसिस स्टेट है क्राइसिस आया होया उस नूं तो बाहर निकल लई केजरीवाल साहब तो पुछदे केजरीवाल साहब कहिंदे वी गवर्नर साहब नाल लड़े जाओ गवर्नर साहब अपने हक दूदा दी गल करदे जे गवर्नर साहब ने कहता घटाड़ू चक वाली काम की उत्ते कार्रवाई होनी चाहीदी है क्यों नहीं कार्रवाई करदे वह इस करके कार्रवाई नहीं करदे उलझांदे आ और लोकां नूं दिखा सकीए कि साडे नाल तां गवर्नर साहब लड़दे आ जी असल च यह गल नहीं है यह सिर्फ ड्रामा मैं बेनती करांगा गवर्नर साहब अपना काम करन वो कर रहे हैं गवर्नर साहब अपना नाले दूजी गल है एक गल बड़ी वड्डी सोचने वाली गल है बॉर्डर स्टेट जिहड़ा 553 किलोमीटर का बॉर्डर स्टेट है उहदे विच वाकई दा टीना जी ने गल की है माइनिंग हो रही है माइनिंग दे विच कई इलीगल एक्टिविटी भी हो रही है नाल कुछ बाहरलियां ताकतां भी अंदर आ रही है नशा भी उसे अधे अधीन ठीक है गोसा जी तुहाडा पक्ष आ गया वैसे ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ BSF 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ BSF ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਿਠਾਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਪੁਆਇੰਟ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਡਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਆਉਂ ਜੇ ਟਾਈਮ ਬਚਾ ਜੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਰੂ ਸਾਹਿਬ कुछ क हद तक जिमें डॉक्टर रण सिंह धालीवाल जी ने गल करी कहते पोलीटिकल पार्टियां ये स्टेटमेंट देन धालीवाल साहब पोलीटिकल पार्टियां स्टेटमेंट दे रही है कि जेडे अपने दायरे दे विच रह के गवर्नर साहब काम करते असीं उहनां नाल सहमत हाँ मैं कह रहा श्रोमणी अकाली दल का बुलारा होने के नाते गवर्नर साहब ने 5-7 क्वेश्चन पुट किए सी अपने सीएम साहब नूं कि इन्हां गल्लां दा जवाब दिओ 2-3 नियुक्तियां दे ते कुछ होर गल्लां दे जिहड़े क्वेश्चनिंग कीती सी जिस दा सीएम साहब ने ट्वीट करके कहा सी मैं इहदा जवाब नहीं देना इह तोता है गवर्नर नूं तोता कहा सी कि उह संविधान दे दायरे विच सी मुख्यमंत्री साहब दूजी गल तुसीं मैनूं इह दस दिओ कि किहड़े अंडर आर्टिकल दे मुताबक जिहड़ा हैगा गवर्नर जिहड़ा हैगा उह स्टेट दी जिहड़ी हैगी है पड़चोल नहीं कर सकता सरकार की पड़चोल नहीं कर सकता बिल्कुल कर सकता है मैं वालिया साहब तुहानू भी बेनती करता कृपा करके जब तक इत्थे लिख दिया करो आम आदमी पार्टी नहीं तो निरपक्ष बुलारा निरपक्ष गल करे तो चंगी गल है जिहड़ियां संविधान दे विच रह के सरकार ने गल्लां बातां करनियां सरकार ने काम करने आ उह उसनू तां आपां कुछ कह नहीं रहे सरकार तुसीं गवर्नर नूं सिर्फ इस ते भी कि तुसी उत्थे गए जी बाहर क्यों चले गए गवर्नर हाउस दे विचों बाहर क्यों चले गए कि तुसी इस गल दे उपर सीएम साहब ने गल कीती कि जिहड़ा 18,000 करोड़ रुपए दा जिहड़ा हैगा लिमिट करजे दी लिमिट घटा दित्ती हैगी है उस दे उपर कोई गल कीती गवर्नर साहब नूं जाके मिले भी गवर्नर साहब इहदे बारे तुसी साडी गल करो जिहड़ियां गल्लां बातां लॉ एंड ऑर्डर ते कोई गल नहीं कर रहा अज गरंटियां ते कोई गल नहीं कर रहा सिर्फ वाली साहब जिस तरह छाबड़ा जी ने कहा मैं इन्हां नाल सहमत हाँ छाबड़ा जी ने कहा कि गवर्नर और सीएम सरकार जिवें एलजी बनाम दिल्ली सरकार पंजाब दे पानियां दे मुद्दे पंजाब दे यूनिवर्सिटियां दे मुद्दे इन्हां वास्ते तां अरविंद अपना जिहड़े भगवंत मान जी हैगे इन्हां वास्ते टाइम नहीं
दिल्ली दे विच जिहड़ा रोला चल रहा है उत्थे ऑर्डिनेंस आ रहा है दिल्ली दीआं पावर वास्ते उहदे वास्ते पूरे भीख वाला कटोरा चक के पूरे देश दे विच साडे मुख्यमंत्री अपने हैलीकॉप्टर दे विच अरविंद केजरीवाल नूं ਭਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਕੋਈ ਗਵਰਨਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਆ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਗਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ जवाब देना चाहवांगे कि वो कह रहे थे कि इस मुद्दे ते प्रॉपर ढंग नाल गल नहीं हो पाई। तालीवाल साहब असीं कॉन्स्टिट्यूशन की गल की है, सरकारां सिर्फ रूल्स रेगुलेशन और एक्ट के हिसाब नाल चलदी है। अगर कोई रूल्स रेगुलेशन एक्ट की उलंघना करेगा उहदे विच गवर्नर साहब का विच आना जरूरी है और जो आए भी है और यही चीज असी रेज करते रहे। अगर असी गल करिए कि जो सेंटर गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन है अगर उसकी पंजाब सरकार उलंघना करेगी तो गवर्नर साहब का बट ऑब्वियस जी गल है उन्होंने इनवॉल्व तो होना ही है। असी तो गरंटियां की तो गल ही नहीं की कि गवर्नर साहब गरंटियां के उत्ते काम करते हुए नजर आ रहे हैं। वह तो पार्टी अपना काम करेगी, वह तो पार्टी कर रही है। जिथे उलंघना होएगी जिथे प्रॉपर ढंग के नाल पंजाब सरकार वालों रेगुलेशन जिहड़े रूल्स एंड रेगुलेशन की उलंघना की जाएगी उत्थे तो उन्होंने हक बनता है। यही तो असं गल कर रहे हो, तुम कह रहे हो गवर्नर साहब को कहो कि ठीक कर रहे कि नहीं। असं तो कह रहे हो ठीक कर रहे हैं, असं कह रहे कि बायस्ड ना करन हर पासे जो हैगा बैलेंस तरीके दे नाल हर किसी नूं जिहड़ा हैगा वह विश्वास दिलाण और उत्थे काम करते हुए नजर आन और उन्होंने जो सोच है बिल्कुल ठीक है और हर गवर्नर इस तरह ही करना चाहिए। पार्टी सरकार जिस वेले कोई भी हो अगर कोई सरकार वालों गलत कदम चुकया गया उन्हें रोकना फर्ज बनता है। ये गलत गल है, असं तो मुद्दे की गल कर रहे हैं, गवर्नर साहब तो क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, असं उन्होंने अगे रख रहे हैं और अगे जाके सेंट्रल एजेंसीज इंटीमेट कर सकते हैं। सीधी सिंपल जी गल है, जिदा पंजाब दे विच इलीगल माइनिंग माफिया चल रहा है और उस हिसाब न रूल्स रेगुलेशन एक्ट की जो फॉलो की जाए पंजाब सरकार ऑलरेडी मानयोग हाई कोर्ट वालों फटकारा लग चुकी ने और 50,000 की पेनल्टी भी पै चुकी है और पंजाब सरकार नू मानयोग हाईकोर्ट वालों एब्रेशन जैसे वर्ड यूज किए गए ने। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है कि जिस तरह के नाल तुसी वायलेशन कर रहे हो एक्ट का उसी ते काम कर रही है गवर्नर, उसी ते सवाल कर रहे हैं और जदों पंजाब सरकार नू सवाल किए जाते हैं एक्ट के उपर उदो मान साहब कहते हैं कि असं तुहाडे किसी गल का जवाब नहीं देना, तुसी सानू साडा काम करन दिओ। यही साडा क्वेश्चन राइज हो रहा है, बाकी गल्लां ते असीं कर रहे हैं, गरंटी गल ते असीं कदी भी नहीं की। और आई होप ਮਠਾਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਸਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ। ਪ੍ਰਮੋਦ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਲਾਸਟ ਟਿੱਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਸੀ ਟੱਸਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਟੱਸਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਟੱਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੋਲਣਗੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਟੱਸਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮਹਾਮਹਿਮ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੂੰਗਾ, ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਬਜਾਏ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਪਪੇਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਠਾਏ ਗਏ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਆਏ ਆ
जो मानयोग राष्ट्रपति जी चंडीगढ़ आए है और उस वक्त भगवंत मान साहब एबसेंट है, उजे सवाल उठाते हैं भी साढ़े नाल जरा सारिया चीजा देखो गिव एंड टेक है, तुम रिस्पैक्ट दोगे तो रिस्पैक्ट मिलेगी, इन्हें कोई शक नहीं। मान साहब ने अपनी पार्टी की पार्टी लाइन से काम कर रहे, गवर्नर साहब ने जो उपरों उन्होंने हिदायत आ दी, लेकिन फिर भी कितने ना कि एक वाया मीडिया एक रस्ता कढ़िया जा सकता है और उस रस्ते कढ़ने वास्ते कोशिश भगवंत मान साहब को करनी पैनी है। भगवंत मान साहब अगर कोशिश करेंगे फिर कोशिश के उपर उन्होंने सफलता नहीं मिलती, फिर उलामा देने अधिकारी है, अदरवाइज पंजाब की जनता मूर्ख बनाया जा रहा है, पंजाब की जनता के खिलवाड़ किया जा रहा है और उनका सारा नजला जरा सारा जरा इल्जाम दोष है वह गवर्नर साहब से लाया जा रहा है जी। देखो जी शाबना साहब, एक दो किस्म के रिलेशन होंगे ने, एक तो जे साडे दफ्तरी जा इह जे पोलिटिकल रिलेशन ने, एक साडे निजी रिलेशन ने। हुण मैं तुहानूं दसदा बहुत उदों दूरियां मीडिया च आ रही सी कि इन्हां ने जी सानूं दस्या नहीं, जिहड़ा विधानसभा सैशन जदों वोट लैनी सी कॉन्फिडेंस नॉन कॉन्फिडेंस बजाय वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लैना सी, उन्हां दिनां च बाल दिवस जिहनूं भारतीय जनता पार्टी ने कहा सी गवर्नर हाउस दे विच जिहड़े है उत्थे कीर्तन समागम सी, और मैं उत्थे आप हाजिर सी ते मैं देखिया भगवंत मान साहब गवर्नर साहब ते बैठे ने, मैं भी इधर एक साइड ते बैठा सी। जदों भगवंत मान आउंदे ने, जदों इन्नियां दूरियां ने भगवंत मान साहब आए आके उन्होंने गुड़ी हथ लाए, वो होर चीज है, यह होर चीज है। बिलकुल उवे जदों नवजोत सिंह सिद्धू आउंदा है तो किवें जफ्फियां पा के, मैं पिछले फोटो देख रहा सी दो दिन तो भी इन्होंने की काम फड़िया, लेकिन इन्हां दिनां च लोकां दे लई इन्हां दा रूप होर हुंदा है। ये गल यही तो असीं कह रहे हैं, चल जिहड़ा लोक देख रहे ने पंजाब दे लोकां नूं तां कम चाहीदा, विकास चाहीदा, रुजगार चाहीदा, पंजाब दा जिहड़ा विकास है तां होएगा जे चार पैसे होणगे, चार पैसे तां होणगे, जे इत्थे इंडस्ट्री होगी जां जिहड़ा है होर वसीले होणगे, वह वसीले हाल की घड़ी नहीं नजर आ रहे, और नजर की आ रहा है जा तो तू मैं आ रही है पोलिटिकल पार्टी प्रताप सिंह बाजवा यह जहा मान यह जहा उन्हें बदला लिया, तो उन्हें पत्नी बदल ली, उन्हें यह कर लिया, ये कही जी गल चल रही ने। हुण कल वह खत्म हुए ने सिद्धू मजीठिया के ट्वीट ते अज दोनों दे, बिल्कुल ठीक है मठारू साहब ने कि मेनो मेनी जनानियां वांग हो रहे ने, इस किस्म की गल माफ कर लेडीज मुहावरे की गल कर रहा मैं, मुहावरा आप जो वरतते हैं भी उ लड़ रहे तू, इस तरह नहीं चाहिए। संविधान ने स्पष्ट किया हो सब दियाँ जिम्मेवारियां ने, यह थोड़े फर्ज ने, यह थोड़िया जे जिन्हों कह सकते हैं कि इस दायरे च रह के तुम गल करनी है। इस तो पहला कि मैं समाप्त करा तो धन्यवाद करा डॉक्टर राम सिंह कहना चाहूंगा। गोसा जी भी कह रहे सी जदों मैं कुलदीप धालीवाल का हवाला दिता ना कि वह कहते हैं जी गवर्नर साहब तुसी जे कुछ करना है तो तुसी जाके साढ़े लिए आरडीएफ का फंड लेके आओ, तो इन्हां नूं कितें मिसकम्युनिकेशन हो गया। मैं आपके वालों नूं कुछ मैं कुलदीप सिंह धालीवाल की जिहड़े साबका पंचायत मंत्री की गल कर रहा सी, सो यह जिहड़ा कुछ चल रहा है बिना मिनी तो चल ही रही है, और साडे कोल वक्त दी सीमा होंदी है। मैं बहुत बार पैनलिस्ट नूं भी कहा कि बिल्कुल जिहड़े पंच लाउणे ने तुसीं उह मुद्दे ते रह के आपदे समें सिर लाओ, कोशिश होंदी है सब नूं बराबर दा समां होवे, हुण समां बिल्कुल खत्म है। धन्नवाद करिए प्रमोद छाबड़ा जी दा, डॉक्टर राम सिंह धारीवाल जी दा, टीना चौधरी जी, एस के मठारू साहब और गुरदीप गोशा जी, तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद। कल सवेरे 8:40 खबर ते नज़र रजिंदर वालिया शो, ते कल शाम नूं 5:30 बजे, ते अज रात नूं 9:30 बजे चर्चा च फिर मिलांगे। बहुत बहुत शुक्रिया।